ये है SS-4 टाइकिन जहाज। इसे ध्यान से देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा कार्गो जहाज था जिसे कनाडा में बनाया गया और अमेरिकन वॉरशिपिंग डिपार्टमेंट ने उसका ऑर्डर दिया था। दिखने में काफी मजबूत लगता है, राइट? ये एक फ्लोटिंग बॉम्ब था जो 12 अप्रैल 1944 को बॉम्बे पहुंचा। दो दिन बाद ये इतने भयानक तरीके से फटा कि उसके झटके 1700 किलोमीटर दूर शिमला तक पहुंचे थे। एक्सप्लोजन के दिन ऐसे लगा कि बॉम्बे की सड़कों पर खून और सोने की बारिश हुई हो। ईयर 1944, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 24 फरवरी को फोर्ट स्टाइकिन जहाज इंग्लैंड से बॉम्बे की तरफ निकलने के लिए तैयार था। और याद रखिए, ये एक्सप्लोजिव से भरा हुआ था, वो भी 1,395 टन, जिसमें शामिल थे माइंस, बॉम्ब्स, टॉर्पीडोज, रॉकेट्स और शेल्स। इस सबके बीच ये सोना भी था, बहुत सारा सोना। जहाज में 31 वुडन क्रेट्स थे, जिसमें से हर एक में 4 गोल्ड बार्स थे, जिनकी कीमत कई मिलियन पाउंड्स थी। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड से इंडियन गवर्नमेंट के लिए ले जाया जा रहा था, जिससे इंडियन रुपी को स्टेबलाइज करने में हेल्प होती। आने वाले महीनों में जहाज मेडिटेरेनियन और अरेबियन सी से गुजरते हुए कराची पहुंचता है। यहाँ पर एक गलती की जाती है, जिससे आगे जाकर कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो बॉम्बे में इस भयानक एक्सप्लोजन का रीजन बनते हैं। जहाज रॉ कॉटन, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, स्क्रैप आयन, टिम्बर, सल्फर, राइस एंड फिश मैन्योर से भरा हुआ था। जहाज के अधिकारी जानते थे कि एक डेडली मिक्सचर है। एक सोर्स के हिसाब से अमेरिकन रेगुलेशंस में ये साफ कहा गया है कि 250 से ज्यादा तेल के बैरल्स रॉ कॉटन के साथ नहीं ले जाने चाहिए और इन्हें अलग करके रखना चाहिए। बट फिर भी कराची में फोर्ट स्टाइकिन को हजारों तेल के बैरल से लोड किया गया और 8700 रॉ कॉटन के बंडल्स के ऊपर रख दिया गया। शिप के कैप्टन ने प्रोटेस्ट करके समझाने की कोशिश भी की कि जब तक शिप बॉम्बे पहुंचेगी, उस पर मौजूद सामान या तो जल जाएगा या एक्सप्लोड हो जाएगा। तो ये शिप किसी चलते फिरते बॉम्ब से कम नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पहले डॉक एरियाज पर एमिनेशन उतारने की इजाजत नहीं थी। शिप्स को डॉक से काफी दूर एंकर किया जाता और एमिनेशन को अनलोड करने के लिए छोटी वेसल्स को भेजा जाता था। बट वॉर के दौरान इन रूल्स पर रिलैक्सेशन दे दी गई और एमिनेशन कैरी कर रही कार्गोस को डॉक पर ही अनलोड कर दिया जाने लगा। तो 12 अप्रैल 1944 को फोर्ट स्टाइकिन विक्टोरियन डॉक्स में एंटर हुई। दुश्मनों से बचने के लिए शिप पर डेंजरस कार्गो को इंडिकेट करने वाला लाल झंडा नहीं लगाया गया था, तो डॉक के कर्मचारियों को कोई आइडिया नहीं था कि शिप में क्या है। आइडियली एमिनेशन को सबसे जल्दी अनलोड कर देना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। रिमूवल अगले दिन शुरू किया गया और उस दिन के अंत तक भी हजारों एमिनेशन शिप पर ही पड़े थे। अनलोडिंग के दौरान नोटिस किया गया कि थोड़ा सा ऑयल लीक कर रहा है। 14 अप्रैल 12:45 पर शिप में से धुआं निकलता दिखने लगा। फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को कॉन्टैक्ट करना बहुत जरूरी हो गया, जहां पर नंबर 2 का मैसेज उनको ये बताता कि साइट पर एक्सप्लोजिव्स हैं। पर कर्मचारी फायर ब्रिगेड से टेलीफोन पर बात करने में नाकाम रहे और उनको फायर अलार्म प्रेस करके काम चलाना पड़ा। जब फायर ब्रिगेड ने ये अलार्म रिसीव किया तो उन्हें लगा कि एक नॉर्मल कॉल है और साइट पर सिर्फ 2 पंप्स भेजे। 8 मिनट के बाद फायर फाइटर्स विक्टोरियन डॉक्स पर पहुंच गए और शिप पर पानी डालना शुरू कर दिया। बट इतने सारे धुएं के बीच वो आग का सोर्स देख नहीं पा रहे थे। अब डिजास्टर से बचने का बस एक तरीका था कि शिप को डुबा दिया जाए। बट स्टाइकिन के वेल्स कुछ इस कदर डिजाइन किए गए थे कि उनमें पानी एंटर नहीं हो सकता था, और अगर ऐसा होता भी तो विक्टोरियन डेक्स की गहराई इतनी नहीं थी कि पूरी शिप उसमें डूब सके। 9000 टन पानी, जो कि 49,000 पानी की बकेट जितना होता है, शिप पर डाला गया। पर शिप फिर भी जल रही थी। आगे क्या करना है, इस पर डिस्कशन चल ही रही थी और बॉम्बे डॉक की घड़ी में ठीक 4:06 हो रहे थे, और ये टाइम उस घड़ी में आने वाले कई दिनों तक एनग्रेव हो गया, क्योंकि इसी वक्त सबसे पहला धमाका हुआ। ब्लास्ट की वजह से शिप पर मौजूद लोग दूर जा गिरे। गर्म मेटल के बड़े टुकड़े, जो किसी को भी आधे में काट के रखते, हवा में उड़ रहे थे। जलती हुई कॉटन शिप्स वेयरहाउसेस, ऑफिसेस, घरों और बिल्डिंग्स में जा गिरी, जिससे वो सब आग की चपेट में आ गए। 4:40 पर पहले वाले से भी बड़ा धमाका हुआ, जिससे स्टाइकिन 3000 फीट की ऊंचाई पर हवा में उठ गई। डॉक पर मौजूद सारी 27 शिप्स बुरी तरह से डैमेज हो गई। 700 से भी ज्यादा लोग अपनी जान खो बैठे और 8000 से ज्यादा लोग अपना घर खो बैठे। मिडडे ने रिपोर्ट किया कि काफी लोग बचने के लिए भाईकला जू या CST चले गए थे। काफी लोगों के झुंड सिटी छोड़कर चले गए। बॉम्बे डॉक्स का 300 एकड़ तक का एरिया तहस नहस हो गया और 50,000 टन तक का अनाज भी बर्बाद हो गया। लगभग 6,000 कंपनीज अफेक्ट हुई और कम से कम 50,000 लोग अपनी नौकरी खो बैठे। आग को शांत करने में पूरे 3 दिन लगे और डॉक को दोबारा फंक्शनल बनाने के लिए 8,000 लोग 7 महीनों तक काम करते रहे। वॉर की वजह से इस एक्सप्लोजन को ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिल पाई और कुछ लोग ये तक मानते हैं कि ये जापान के द्वारा किया गया एक अटैक था। फिर भी बहुत लोग मदद करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। एक TOI की रिपोर्ट एक ऐसे आदमी की दास्तां बताती है जिसने हॉस्पिटल्स के लिए मेडिसिन और इक्विपमेंट खरीदे थे। औरतों के एक ग्रुप ने तो जलते वेयरहाउस के बीच में कैंटीन तक लगा दी ताकि सोल्जर्स को खाना मिलता रहे। 1944 में एक टूटा हुआ प्रोपेलर या संचालक सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में झटका, वो आज भी वहीं मौजूद है। मुंबई के भाईकला में एक मेमोरियल भी बनाया गया है जो उन 66 फायर फाइटर्स को कमेमोरेट करता है जिन्होंने 1944 के एक्सप्लोजन में अपनी जान गंवाई। 14 अप्रैल, जिस दिन एक्सप्लोजन हुई थी, अब हर साल नेशनल फायर सर्विस डे के तौर पर मनाया जाता है।
फरवरी 2011 में कुछ कर्मचारियों को सी के पास फोर्ट स्टाइकिन पर मौजूद गोल्ड बार्स तक मिले हैं। ये सब हमें बताता है कि हमारी सिटीज कुछ ऐसी निशानियों से भरी पड़ी हैं जो इतिहास में हुए बड़े इवेंट्स की याद दिलाती हैं। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर हिस्ट्री की किसी ऐसी ही फॉरगॉटन टेल के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, पर बेल आइकन पर टैप करना मत भूलना, नहीं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस करने वाले आप अकेले इंसान बन जाओगे।